नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बिना नींव वाले महल की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हवा महल की। झुंझुनू खेतड़ी में निर्मित गोपालगढ़ दुर्ग के झरोखों से प्रभावित होकर महाराजा स्वामी प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए सन 1799 में इस राजसी महल का निर्माण करवाया। जब आप हवा महल के पीछे वाले हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे तो यह आपको मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देगा। हवा महल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। हवा महल में 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिनको झरोखे कहा जाता है। इसके साथ साथ हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहते हैं। हवा महल के आंगन में बेहद ही खूबसूरत फवारा लगाया गया है। मुकुट की तरह दिखाई देने वाले इस हवा महल का डिजाइन लाल चंद उस्ताद के द्वारा किया गया। महल को बनाने में लगभग 200 कारीगर काम पे लगे थे। हवा महल 5 मंजिला स्मारक है, जिसकी अपनी मुख्य आधार से ऊंचाई 87 फीट है, जो यह मीटर में 26.15 है। पांचवी मंजिल ऊपर से केवल 1.5 फीट चौड़ी है। हवा महल की 5 मंजिलों के नाम इस प्रकार से हैं। पहली है शरद महल, दूसरी रतन महल, तीसरी विचित्र महल, चौथी प्रकाश महल, पांचवी हवा महल। पांचवी मंजिल के नाम से ही हवा महल का नाम हवा महल रखा गया। हवा महल के निर्माण में लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया, इसी कारण हवा महल का रंग बादामी है। हवा महल के आंगन में एक पुरातात्विक म्यूजियम भी बनाया गया, जिसमें प्राचीन नृत्य कला डांस एक्टिविटी से जुड़ी हुई स्टैचूएं रखी गई हैं। महल में जाने के लिए 2 द्वार हैं। पहले का नाम है आनंदपोली, दूसरा नाम है चंद्रपोली। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद।